बाकी नेशनलिटी मिल जाती है, और हिंदुस्तान में खासकर दिल्ली में 93 का सबूत लाओ। अब बताइए 22 साल 23 साल क्या हमें नेशनलिटी नहीं मिली, हम उसे सबूत दें? जब हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पर सब कुछ हमारा हुआ है, तो हमारे को 93 के सबूत की क्या ज़रूरत है? ये सब इस वजह से है कि हम लोग परेशान हों, OBC के लोगों को किसी तरीके का OBC का फ़ायदा ना उठा सकें। इसलिए आपने क्या नाम बताया? हफीज़ अहमद हवारी। हफीज अहमद जी, आपने बार बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो कहीं संविधान के अंदर है हिंदू शब्द का, और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं आप, सिर्फ भारत की अगर बात करें तो आपको अधिकार मिलने का एक चांस भी है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल कब किया हमने? अभी बोला ना आपने कि हम यहाँ से इतने साल से रह रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में सर, भारत में, हिंदू शब्द भारत में हम रह रहे हैं, तो हमें 93 का सबूत चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। निवास स्थान की बात कर रहे हैं जी, निवास की बात, निवास की बात। मैडम आपका नाम? मेरा फरहान अंजुम। आज ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस बात को लेके की? ये कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए बुलाई गई है, और आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल आज हमारी मीडिया है, और मीडिया हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से पेश करती है। तो आज मैं इसी अपने मुद्दे पर, अपने एजेंडा हमारा यही है कि हम बैकवर्ड्स को आगे, हमें आरक्षण के लिए और जो भी हमारे भाइयों ने कहा हम उसके लिए एक पावरफुल लोगों को, सबको तैयार करके हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। आप मानती हैं कहीं ना कहीं बैकवर्ड कास्ट की जो है अपेक्षा हो रही है? अपेक्षा हुई है जी, जी बिल्कुल हुई है, क्योंकि मेरे बेटे ने पिछले साल एडमिशन के लिए, वो बहुत उसने इतने चक्कर काटे कॉलेज के लिए कि आपका OBC का कहाँ है, तो उसने बनवाया नहीं था, फिर मैंने उसको बनवाया। तो और जो SC ST वाले थे वो सारे, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी, और सारे लोगों को बस उनके मार्कशीट देखकर, उनके फॉर्म्स देखकर उनको एकदम से एडमिशन मिल गया, और मेरे बच्चे ने पता नहीं कितनी स्कूलों में कितने कॉलेजों में धक्के खाए। आप पूरे देश के लिए क्या चाहती हैं, पूरी जो पावर बैकवर्ड बरादरी है उनके लिए क्या चाहती हैं? मैं सभी के लिए, एक मुद्दा जो हमारा है कि हम लोगों को आरक्षण मिले, हम लोगों को हर जगह फैसिलिटीज़ मिले, हमें नौकरियाँ मिले, हमें एडमिशन मिले स्कूलों में, कॉलेज हो, कहीं भी हो, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या मतलब कि उनमें हम लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, हमारी लड़कियाँ पढ़ जाएँ या लड़के पढ़ जाएँ, सारे घर बैठे रहते हैं। तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए हम, मैडम आप आरक्षण की बात कर रही हैं, यहाँ आपका संविधान खतरे में है, जब संविधान ही आपका नहीं रहेगा तो आपको आरक्षण कहाँ से मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? संविधान तो, क्योंकि संविधान के अंदर महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ ऐसे, बाबा साहब अम्बेडकर की आप बात कर रहे हो तो मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूँ और बहुत उनको समझती हूँ, उन लोगों ने, उन्होंने जितनी मेहनत सभी के लिए करी है, तो शायद ही कोई करता हो उस चीज़ के लिए सोचा। बाबा साहब की